चलो बताओ, क्वेश्चन दे रखे थे उत्तर करने के लिए प्रीवियस ईयर के, है ना? तो कौन कौन सा क्वेश्चन हो गए? सब हो गए। और लास्ट क्वेश्चन क्या था वो बताओ। ये तो बदल गया, मोदी के राज का ये क्यों निकाल रहा है इनका, क्यों तो बदल गया है बेस्ट जो बनी। कौन सा वीडियो? बेस्ट किताब है, लेकिन ये भी अच्छी किताब है, खाली ये पढ़ जाओ तो जेई फर्स्ट आ जाएगी बेस्ट। इसके अलावा किसी और बुक की जरूरत नहीं, आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो बुक से बाहर आता है। इसी तो एक ही क्वेश्चन डिप्टो आता है, एक ही क्वेश्चन डिप्टो एज इट इज। चलो बताओ भाई, लेकिन बस कमी है ना, अपडेट नहीं कर रहे अपने को, सब एकदम जितना सिलेबस कम हो गया वो सब अपडेट नहीं कर रहे। राजा राजा भाई ने मेरे को क्वेश्चन दिए थे, सब हो गए खाली का ये हाल देखो, धूल की है ये धूल इस पर, इसको बेटे ये देखो यहाँ पे इस पर देखो, अब बाद में करना सब नीचे से है ना, कल कर लेना। जो क्वेश्चन दिए थे वो हो गए, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर क्या था? ये था 25th था, यस 25th हुए नहीं है 25th इसी वन से बताओ। अच्छा था ना, अब नहीं मिल गया ठीक है भाई। चलो अब शुरू करें, हाँ तो इसमें हम ये बता रहे थे ऐसे क्वेश्चन का जो तरीका होता है में
जैसे दिया है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर रूट पावर 10 दिया है, तो तीन टर्म है ना इसके अंदर, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय तीन कोफिशिएंट आएंगे अल्फा बीटा और गामा। यस सही है, और साथ में आएगा x की पावर, फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं, बीटा पावर 2 है तो 2 गामा 3 होती तो यहां पे ठीक है, हम इस तरह से लिखते हैं इसको, सही है। अब अपने को क्या बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बनाना है, ये 10 बनाना था, x की पावर 4 बनाना, तो यानी कि हम बीटा प्लस 2 गामा किसके इक्वल होना चाहिए 4 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो किन किन हालातों में ये हो सकता है ये देखना है यहाँ पर, या तो फिर गामा 0 हो जाए, बोलो बीटा क्या हो जाए, बीटा 4 भाई, यस सर, तभी तो 4 आएगा, यस सर, बोलो, यस सर, सही नहीं। अच्छा इसके अलावा ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम जो होता है वो पावर के इक्वल होगा 10 के इक्वल, सही, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहां से 6 आ जाएगा, यस सर, सही है ना, यस सर। चलो या फिर अब गामा 1 हो जाए, बीटा को 2 करना पड़ेगा, बोलो, यस, गामा 1 बीटा 2 तो अल्फा हो जाएगा 6, ठीक, या फिर गामा 2 हो जाए तो बीटा को 0 करना पड़ेगा, अल्फा हो जाएगा इस केस में 8, सही है, बोलो, अब इन तीनों वैल्यू उठा भी बाहर आते उसके अंदर यहाँ रख दो, ठीक है, आपका कोफिशिएंट का क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो पहला कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा 6 फैक्टोरियल, बीटा 4 फैक्टोरियल और गामा 0 फैक्टोरियल, let alpha greater than 0 beta greater than 0 be such that alpha cube plus beta square is equal to 4 if the maximum value of the term independent of x in the binomial expansion of alpha x to the power 1 by 9 beta x to the power minus 1 by 6 10 is 10 k, तो k क्या होगा, ऑप्शन है 176 टू 336 और 352 84, ठीक है भाई। ये हमारे पास करो, मैं जल्दी से चलो अल्फा एक्स की पावर 1 बाय 9 निकालिए भाई जल्दी से इसका, अल्फा एक्स की पावर 1 बाय 9 प्लस बीटा एक्स की पावर माइनस 1 बाय 6 क्यूब पावर 10, टीआर का मान करेंगे एनसीआर एक्स एक्स की पावर एन माइनस आर इनटू वाई एक्स की पावर आर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 0 के इक्वल रखते हैं, जल्दी से एक्स को बताओ आर की वैल्यू क्या आ रही है, स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन की जरा अपनी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रखते आर की वैल्यू आ गई 4, तो आर की वैल्यू 4 रखते क्या बन गया ये t5 इज इक्वल टू 10c4 और अल्फा की पावर 10 माइनस 4 यानी कि 6 और बीटा की पावर बन जाएगी 4, बाकी सब तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया,
ठीक है भाई। अब ये जो टर्म आ रही है, ये आंसर आपको जब निकालना है, जब ये मैक्सिमम हो, तो आर को इसको ऐसे छोड़ देंगे सारे आर को, सही है। और इसका हमें यूज करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का यूज करना है। बोलो, तो हमने सबसे जब मिनिमम मैक्सिमम की केस में लगा सकते हैं हम, और मैट्रिक भी बड़ा होता है, जब मैट्रिक नीचे पढ़ाया था मैंने पहले भी एकेडमिक क्लास में, है ना, तो इन्होंने ये जो दे रखा है अल्फा पे क्यूब है, अल्फा क्यूब अपॉन 2 प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 2 प्लस बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 2, कितनी टर्म बना ली हमने अपॉन में, 1 2 3 4 बना ली, बोलो। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 रूट ऑफ इनका मल्टीप्लाई सबका आपस में, बोलो कितना होगा मल्टीप्लाई, अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी 6, बीटा की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, बोलो हो गया नहीं होगी, मल्टीप्लाई हो गई हो बता जाके 2 4 वाला आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा अल्फा की पावर 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा बीटा की पावर 4, बोलो। अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल और इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, इसमें से अपने ऐसे लेके चले क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, सही है। तो ये 4 अपॉन 4 कितना हो गया 1, ग्रेटर इक्वल टू 4 रूट ऑफ कितना हो गया अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 और 2 की पावर 4, पावर 4 बोल दो दोनों तरफ, बोलो कितना हो जाएगा ये 1, ग्रेटर इक्वल टू अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 और 2 की पावर 4, इंटरचेंज कर दे कितना आ जाएगा बताओ, अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 लेस देन इक्वल टू क्या 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 की पावर 4 है, सही है, यहां रख देंगे इसकी वैक्टर 2 की पावर 4, सही है भैया। बस निकाल दो आर की वैल्यू, 4 की 4 लगी है तो क्या आंसर आ गया, tan 4 2 की पावर 4, सॉल्व कर लो ये हमारा आंसर आ गया, पता लगा क्या आंसर आ गया, ये मतलब जनरल लॉजिक है, powers of x
थ्री कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन आर इन द रेशियो 2:5:12 देन एन बताइए क्या होगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये तो कह रहा है थ्री इंक्रीजिंग एक्सपेंडेड कोएफिशिएंट कोई से भी ले सकते हैं आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एकेडमिक का क्वेश्चन है बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी जी मान लीजिए एक ले लिया एनसीईआर दूसरा ले लिया एनसीईआर प्लस और तीसरा ले लिया एनसीईआर प्लस एन प्लस आर क्या दे रखा है 2:5:12 सही है ना एक बार शुरू के दो लेके एन और आर में क्वेश्चन बनाएंगे एक बार लास्ट के दो लेके एन और आर में क्वेश्चन बनाएंगे और उसे एन की क्या निकाल देंगे वैल्यू बस इतना सा काम करना है सही है ना और कोई शॉर्टकट इसका अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमें आर की वैल्यू नहीं पता सही है करिए जल्दी से सुन लिया कनिका मैंने क्या बोला यस सर Yes, sir. लो हेमंत को 33 आ रहा है दोनों का गलत है 160 भी गलत है 33 भी गलत है सही आंसर निकालो ये भी गलत है तीन ऑप्शन गलत हो गए लास्ट आ गया 128 भी नहीं आ रहा कितनी घटिया बात है मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन का एग्जाम में दिया है बंदे ने भाई आंसर ही पूरे नहीं हो रहे इसके
सर 118 हाँ जी बस सही आंसर है 118 अजी रहने दो आपके बेकार की बातें हैं समझ नहीं पा कुछ भी आ गया आपने गलती कर दी नंबर गए 5 आपके 4 ओरिजिनल गए 1 नेगेटिव में चला गया अजी आज मैं पैन बोल रहा 60 कर दिया इसलिए फिर गनी का मैं आज बात सही है यस सर गलती कर दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रुक जाएगी देख रहे हैं कौन सा है इसके बाद सोचे नहीं इतने नॉर्मल मतलब मैं इस तरफ इसलिए कराता हूँ कि देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या एग्जाम में आ रहा है ये चीज आप चेक करो ऐसा नहीं मैं पढ़ा कुछ और एग्जाम में लेवल कुछ और आ रहा है जब जस्ट 12th वाले बच्चे हमारे सुनते नहीं हो एक एक लड़का उसमें है वो सर लेवल तो बढ़िया था जो आपने क्वेश्चन सर ये कर लू वो कर लू फला जी कर लू मैंने कर ली फिर कहता हूँ फ्रस्ट्रेशन हो रही सबसे होते नहीं अब जब तुम तो वो कर रहा है वो चीज सिलेबस में नहीं है ना ऐसे बच्चों को इलाज नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Independent of X in the expansion of with another question to NCERT की power 9 HK मुझे तभी याद आ रही है 3 out of X square मतलब मानो पांच 3 है बहुत सारे क्वेश्चन हैं HK तो 18k की वैल्यू क्या होगी करिए जल्दी 5 2 7 11 5 9 7 11 हां करिए जल्दी समझ में आ गया क्वेश्चन कनिका यस सर2x square plus 3x plus 4 की होल पावर 10 में दे रखा समीशन r goes to 0 to 20 ar x की पावर r a 7 upon a 13 बताना है तो a 7 upon a 13 का मतलब है कि coefficient of x की पावर से ना coefficient of x की पावर 13 बताना है तो ये क्योंकि जब तुम समीशन खोलोगे आर की जगह 0 रखोगे x की पावर 0 1 रखोगे तो x की पावर 1 2 रखोगे तो x की पावर 2 जब 7 का मतलब क्या होगा x की पावर 7 फिर इसके एक को दे रखा तो बड़ी नॉर्मल थ्योरम हो गई फिर से हां कितना पावर 10 का कितना जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन बीटा में बोलो अल्फा बीटा गामा अब यहां पे 1 नहीं है देखो अगली बार है ना तो ऐसे लो 2x स्क्वायर की पावर ले लो अल्फा ले लो 3x की पावर ले लो बीटा ले लो और 4 की पावर ले लो इस तरह ले सकते हैं सही है नहीं तो और हाउ द अल्फा प्लस बीटा का कॉमन लेयर वही होगा और अपने को क्या चाहिए x की पावर 7 चाहिए
x की पावर 7 कब बनेगी देखो जरा ऐसे इधर अल्फा बीटा और गामा का जो कब बनेगी अल्फा ले लिया 3 बीटा ले लिया 1 गामा ले लिया 6 तो क्या बनता है देखना जरा कितना बनता है हाँ तो इनका जो समान आती है तो इसे इक्वल आना चाहिए ना हाँ ठीक है तो अल्फा कितना हो गया 3 हो गया 6 बीटा हो गया 1 तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 10 ही होगा है ना अल्फा 3 ले लिया 3 प्लस 6 प्लस 1 7 हो गया ऑटोमेटिक गामा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बोलो ऐसे दूसरा क्या बनेगा 2 टू जब 4 ले लें अल्फा 2 ले लें तो बीटा क्या लेना पड़ेगा 3 तो 7 बनेगा तो जब ये 2 और 3 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 5 बोलो भाई और मान लो उसको बन ले लिया आपने 3 2 ऐसे एक का नंबर उड़ा रहा है 3 2 और 3 से बड़ा ले ही सकते हैं नजर आ गई वैल्यू बढ़ जाएगी मान लो उतना गया 4 ले लिया तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 तो यहां नेगेटिव पता पड़ेगा नेगेटिव कभी होता नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 होगी और एक का नंबर क्या होंगे कम होंगे सेम तो अल्फा के लिए जो बन ले ली तुमने बीटा क्या होगा बताओ 5 होगे तो इतना आ जाएगा गामा जीरो लिया तो सेवन आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा पर हम सही तो एक बार हम लेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये A7 आ जाएगा अगली बार तुम्हें क्या बनाना है 13 बनाना है तो 13 कब बनेगा अल्फा बीटा का आंसर बनाना है 13 कब बनेगा देखो जरा 13 6 हो जाएगा 12 6 6 7 से जाओगे तो 14 हो जाएगा 6 हो जाएगा 12 बीटा के लिए पड़ेगा 1 6 अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा ये 10 ही होगा 13 के इक्वल होगा 13 से तो 13 में आ रहा है देखो का मतलब 10 है ना ये तो 10 ही होगा भाई ये 3 आ जाएगा अब ये 5 आएगा तो ये 3 आएगा ये 2 आएगा तो ये 4 आएगा 5 आएगा तो ये 1 आएगा तो ये 3 आएगा 7 आएगा 0 बस खत्म छुट्टी इससे नीचे जा ही सकते है ना क्योंकि मान लो 2 ले लेते तो क्या होगा दोनों का ऐड करके फाइनल आंसर बनाना है तो एक काम करना ना तो पहले इसको डिवाइड करके लेना हाफ क्या तो सकता है डिनोमिनेटर के बहुत सारे नंबर आपस में क्या हो जाए कैसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा एक ही टक्कर के टाइम सॉल्व करते रहोगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा भाई करो जल्दी से निकालो फाइनल आंसर यस सर एंट्री मिल गया भाई सही है ना चल यस सर बच्चे द्वारा ज्वाइन कर